पब्लिक टी शर्ट फाड़ के स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल में। और ये चैनल आप सभी का है, तो गाइस यार पूरी वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। आज अपन जाने वाले हैं संकट मोचन हनुमान जी के मंदिर। हाँ गाइस यार बहुत ही ज्यादा अच्छा बना हुआ है और बहुत ही ज्यादा वहाँ पे मंदिर में है जो कि भीड़ भी रहती है। तो गाइस यार पूरी वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और साथ में मुझे यार इंस्टा पे फॉलो कर लेना उल्टी टोपी वाला। और आपको बता दूं जो कि वो मंदिर कहाँ पे है, तो गाइस जो कि बीकानेर की पब्लिक तो जानती ही है, केएम रोड और रतन बिहारी पार्क और फलों का मार्केट, हाँ गाइस उसके पास में ही है वो मंदिर। और बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है और बीकानेर का सबसे बड़ा मंदिर है। तो अगर आप बीकानेर आते हैं तो गाइस यार वहाँ पे जरूर जाइएगा श्री संकट मोचन हनुमान जी के मंदिर। तो जल्दी से चलते हैं और साथ में मुझे फेसबुक पर भी फॉलो कर लीजिएगा उल्टी टोपी वाला। तो चलिए यूट्यूब की पब्लिक, यार फाइनली अपन पहुंच चुके हैं संकट मोचन हनुमान जी के मंदिर। और गाइस यार मैं भी फर्स्ट बार आया हूं, अभी अंदर चलते हैं और आपको भी मैं दर्शन करवाता हूं हनुमान जी के। तो चलिए, तो गाइस यार यहीं से आपको मैं जूम करके दिखा रहा हूं, अभी अंदर जाने वाले हैं अपन। और यार काफ़ी ज़्यादा शोर भी हो रहा है, तो अभी अंदर चलते हैं अपन। और पूजा के टाइम अपन गाइस फाइनली पहुँच चुके हैं, तो पूजा भी आपको दिखाऊँगा। तो यार वीडियो के लास्ट तक बने रहना। तो गाइस यार अभी आपको मैं बाहर का नज़ारा दिखाता हूँ मंदिर के, कितनी ज़्यादा भीड़ यहाँ पे रहती है। और गाइस अगर आप मन से इच्छा लेकर आते हैं तो संकट मोचन हनुमान जी जो कि आपकी इच्छा भी पूरी करेंगे। अभी अंदर चलते हैं और फिर आपको दिखाता हूँ। तो गाइस यार अपन फाइनली अंदर आ चुके हैं और अपन ने जो कि दर्शन कर लिए हैं शंकर मोचन हनुमान जी के, और आपको भी मैं दर्शन कराने वाला हूं। पहले मैं अभी आपको आरती दिखाऊंगा और आरती का टाइम हो चुका है, तो चलिए। तो गाइज यार पूजा कंप्लीट हो चुकी है, अभी अपन आरती लेने के लिए जा रहे हैं। और यार मंदिर की मैं आपको बता दूं जो कि आरती बहुत ही अच्छी मानी जाती है, अगर आप भी जाएं मंदिर में और पूजा का टाइम हो तो ज़रूर रुकें और आरती ज़रूर लें। और गाइज बहुत ही अच्छी मानी जाती है आरती, तो आप अगर कोई भी इच्छा मांगते हैं मन से तो गाइज आपकी इच्छा ज़रूर पूरी होगी। तो गाइस ये आपको जो दिखा रहा हूँ मैं मूर्ति, ये मंशापूर्ण हनुमान जी की मूर्ति है जो कि सारों से पहले लगी थी। तो गाइस मैंने फेरी है जो कि निकाल ली है और अब आपको मैं दर्शन करवाने जा रहा हूँ श्री संकट मोचन हनुमान जी के। और आपके भी मन में अगर जो भी इच्छा है तो मांग लीजिए और आपकी भी इच्छा पूरी होगी। तो चलिए अभी आपको मैं दर्शन करवाता हूँ। और गाइस आपको बता दूँ जो कि संकट मोचन हनुमान जी के जो मुखट पर गाइस ओम और राम लिखा हुआ है जो कि आप देख सकते हो, थोड़ा मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। और गाइस मंदिर की बात करें तो यार मंदिर बहुत ही ज़्यादा मुझे अच्छा लगा। और आपको बता दूँ जो कि यार इतनी ज़्यादा भीड़ मैंने पहली बार देखी है मंदिर के अंदर।
और गाइज कमेंट में जय श्री राम जरूर लिख देना और साथ में जय हनुमान जरूर लिख देना। तो गाइज अभी आपको मैं बता दूं, श्री संकट मोचन हनुमान जी की आरती भी कंप्लीट हो चुकी है और साथ में आपको मैंने दर्शन भी करवा दिए हैं। तो गाइज अभी आपको मैं आरती दिखाने वाला हूं श्री एकलिंग जी महादेव जी की। तो चलिए, और गाइज ये मंदिर काफ़ी बड़ा बना हुआ है। और दोस्तों यार कमेंट में जय महादेव जरूर लिख दें। तो गाइज यार पूजा जो कि कंप्लीट हो चुकी है, अभी आपको मैं दर्शन करवाने वाला हूँ श्री एकलिंग जी महादेव के। हाँ गाइज, और यार बहुत ही ज़्यादा भीड़ हो रखी है, आप खुद देख सकते हैं। दर्शन करवाता हूँ और फिर आपन आरती भी लेंगे। चलिए, और ये गाइज यार देख सकते हैं कांच के अंदर पूरा का पूरा पैक है, और पंडित जी है जो कि यार साइड से बैठे हैं। तो यार चलिए दर्शन करते हैं और आपको भी मैं दर्शन करवाता हूँ। तो गाइज अब आपको मैं दर्शन करवाने जा रहा हूँ महादेव जी के, जो कि आप दर्शन कर लीजिए। एकलिंग जी महादेव जी का मंदिर है ये गाइज, और जो कि यार बहुत ही अच्छा लगा मुझे ये मंदिर, और ये पूरा यार कांच के अंदर पैक है यार, ये देखिए यार। और अब अपन आरती लेते हैं गाइज। गाइस यहाँ पे एक जो दीपक है वो 24 घंटे चलता रहता है, वो आपको दिखाता हूँ। तो गाइस ये है जो दीपक है जो कि 2400 घंटे चलता रहता है मंदिर में। इस मंदिर के पुजारी हैं पंडित जी, मंदिर की स्थापना कब हुई और मंदिर के बारे में बताइए हमारी पब्लिक को। मंदिर की स्थापना 1886 के अंदर हुई थी। 1886 के अंदर छोटी वाली मूर्ति की, छोटी वाली मूर्ति की। बड़ी वाली मूर्ति थी 1914 के अंदर महाराजा गंगा सिंह जी के टाइम में। और मंदिर के बारे में क्या कहना चाहते हैं? मंदिर बीकानेर में प्रसिद्ध है, सबसे बड़ा मंदिर है बीकानेर का, हनुमान जी का सबसे बड़ा मंदिर है। संकट मोचन हनुमान जी दादा के अंदर लोग आते हैं, हर एक की मनोकामना पूरी होती है, बाबा सबकी सुनता है। YouTube की पब्लिक यार अभी है, अंधेरा भी काफ़ी ज़्यादा हो चुका है, तो अब चलते हैं घर की तरफ। और गाइज ये मंदिर मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा, आप भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिख देना। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में बहुत ही जल्द। तो गाइज चलते हैं, जय हिंद वंदे मातरम, और आप भी दर्शन कर लीजिए हनुमान जी के।